सुनील सर मेरे कॉलेज प्रोफेसर हैं एंड मैं इनकी स्टूडेंट थी फॉर इन MMCC। अब एक चीज़ है सुनील सर के बारे में, गौर से सुनिए, इनकी सारी क्लासेस फुल होती थी, पहले 3 बेंचेस पे लड़कियां बैठी होती थी। वो क्यों? आपने अगर सुनील सर की आवाज़ सुनी है तो वो जान ही गए, वो अपनी आवाज़ में जो शायरी बोलते थे, हम क्या नोट्स लेते हैं, भरवन जाए स्वामी मंजा अक्षरशाह, और वो क्लास कोई बंक नहीं करता था, वो हमारा रेडियो का सबसे फेवरेट क्लास था। एक और किस्सा बताना चाहूँगी कि जब निदा फाजली साहब हयाती में थे तब उनका एक शो हम देखने गए थे, क्योंकि आई वेंट बिकॉज निदा फाजली साहब आने वाले थे पूना में, इट वॉज़ अ वेरी इनफॉर्मल शो और वो एंकर कर रहे थे सुनील देवधर जी। अब सर मुझे मिले एंड ही जस्ट वेरी स्वीटली वेरी कैजुअली सर आपने मुझे बोला एंकरिंग में साथ में आना है। सर मैंने आपको उस दिन बताया नहीं था, 3 दिन पहले मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था, मैं कसम से उस दिन इतना नर्वस नहीं हुई थी जितना आपने जब मुझे बोला ना एंकरिंग में आना है, उस लाइक नहीं नहीं सर, और मैं पीछे हट गई थी, आई डिडंट इवन से हाय, आई डिडंट इवन से बाय एनीथिंग, बट आई वाज वेरी नर्वस। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सुनील देवधर जी मेरे प्रोफेसर मेरे गुरु यहाँ पे है। नाउ लेट्स कम टू आर पैनल नंबर 3। इस पैनल में डॉक्टर शोभा जैन है, शी इज़ अ पैनलिस्ट एंड जिनके लिए 2 लाइन्स, मैम मैं आपके ब्लॉग पे गई थी और वहाँ पे मुझे ये 2 लाइन्स मुझे बहुत छू गई। कागज़ पर शब्द, गौर फरमाइए, कागज़ पर शब्द महज भाषा का खेल या लिपि की चित्रकारी नहीं बल्कि अर्थ छवि की चित्रात्मकता है, वरना तो ज्ञान का कुबेर खजाना व्हाट्सएप और फेसबुक पर कम नहीं फैला। दिस गोज़ ऑन टू से अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ ऑथर शी इज़, द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। सो आज का पैनल, पैनल 3, शब्द संवाद समकालीन हिंदी साहित्य। और सुनील सर के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो ही रिटायर्ड एज एन ADP फ्रॉम आकाशवाणी पुणे, 38 ईयर्स ऑफ रिलेंटलेस सर्विस, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सावरकर स्मृति पुरस्कार, ऐसे बहुत से पुरस्कार उनको मिले हैं। सो दिस इज़ फेयरली पर्सनल फॉर मी, सो वेलकम सर, द स्टेज इज़ योर्स, मेरी तो हिम्मत नहीं है। धन्यवाद अपूर्वा, बहुत कुछ हमारे बारे में आपने बोला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज लगभग दिन भर से जब कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ उसके बाद से ही लगातार आज के इस वातावरण की और साहित्य संगीत कला की बात हो रही है कि किस तरह से हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं, और जो फिल्म के लोग थे उन लोगों ने भी, केंद्र साहब ने भी उस बात की चर्चा की। तो सच बात तो ये है कि शब्द के माध्यम से ही बात कही जाती है, और शायर ये कहता है कि दुख है तो इस बात का, किस बात का दुख, क्योंकि घर घर में जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो ये है कि TV पर तो आँख है, मोबाइल है हाथ, TV पर तो आँख है, मोबाइल है हाथ, दुख है तो इस बात का, तन्हा पड़ी किताब। किताब तन्हा पड़ी हुई होती है, हमारी नज़र TV पर होती है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, बावजूद ये 2 दिन का साहित्य संगीत कला का संगम और उसके पीछे मोनिका सिंह जी और उनकी टीम निस्संदेह बधाई की पात्र है। तो सबसे पहले तो हम मोनिका सिंह जी को बधाई देते हैं कि वे हम सबको आपस में जोड़ रही हैं, क्योंकि अगर हम सब पास होते हुए भी दूर हैं, समस्या तो वही है कि हमारी कुर्बत, हमारी लगावट, हमारी नियरनेस, हमारी समीपता, हमारी निकटता धीरे धीरे कम हो रही है और हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे साथ शोभा जैन जी हैं। शोभा जी जैन मंच पर हैं तो आप उस आभा का भी अनुभव कर रहे होंगे, और इनके बारे में भी शब्द के साथ में कह दूं कि क्योंकि हमें अब शब्द संवाद की शुरुआत करनी है, तो शोभा जी शब्दों के माध्यम से ही जब आप जैसे लोग मंच पर आ जाते हैं तो शायर कहता है कि देखूं भी तुझे और बातें भी करूं तुझसे, देखूं भी तुझे कि बातें ही करूं तुझसे, दिल अपना मजा चाहे
आंख अपना मजा चाहे। लेकिन आपसे बात करनी है, गंभीर बात करनी है, साहित्य को लेकर बात करनी है, शब्द को लेकर बात करनी है। मैं शब्द की खैरात हूं, सब शब्द मेरे पास हैं। मैं शब्द की खैरात हूं, सब शब्द मेरे पास हैं। मुर्दे जगा दूं शब्द से, होता अशुभ का ह्रास है। ना मैं किसी को जानता, ना मुंह देख के मैं बोलता। सत असत क्या सोच कर ही बात अपनी बोलता। ये है शब्द। ये शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य बन जाता है, और एक वाक्य बन जाने के बाद वो संवाद का माध्यम बनता है। संवाद समकालीन साहित्य को लेकर, और शोभा जी जैन जो कि अग्निधर्मा में एक वीकली समाचार पत्र में साहित्य का ही पन्ना चलाती हैं, तो समकालीन साहित्य पर उनसे अधिक उपयुक्त चर्चा शायद कोई दूसरा न कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम कुछ प्रश्न करें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शब्द संवाद समकालीन साहित्य विषय को लेकर आपके मन में क्या विचार उपजा? सर्वप्रथम श्रद्धेय मंच और इस पवित्र सभागार में उपस्थित आप समस्त साहित्य अनुरागियों, कला साधकों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो एक विषय शब्द संवाद और उसके साथ योग कहें या संयोग कहें, समकालीन हिंदी साहित्य जुड़ा हुआ है, तो जब ये विषय मेरे सामने आया और जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मुझे लगा कि साहित्य की जब बात करते हैं हम, तो शब्द के बिना तो साहित्य का अस्तित्व ही नहीं है। शब्द भाषा की देह में प्राण की तरह होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सभी जिस परिवेश में हैं, हमारे आसपास जैसा भी माहौल हम देख रहे हैं, वहाँ हमारे पास शब्द तो है लेकिन अर्थ नहीं है, भाव नहीं है। शायद हम वर्णमाला के आडंबरों के बीच एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसा दौर गुजरा हम सभी के बीच 2020 और 21 का, कोरोना का जो समय गुजरा, हम जब थोड़ा पीछे जाते हैं 2 वर्ष पीछे, तो उस समय ने हम सभी को शब्द के साथ मित्रता करना तो सिखा ही दिया। कम से कम जो लोग लिखते नहीं थे वे भी शब्द सारथी हो गए, कुछ शब्द मित्र हो गए, लेकिन हम शायद शब्दों की सतह पर तैरना सीख गए, उसकी तह में नहीं जा पाए। शोभा जी, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी शब्द जिसको सीधी भाषा में कहें कि उथले होते चले गए, तो शब्द उथले नहीं हुए बल्कि हमने प्रयोग के स्तर पर उनके मर्म तक जाना छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि समकालीन साहित्य में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी बात का हुआ तो वो कविता का हुआ। आप क्या सोचती हैं? निश्चित रूप से हम समकालीन साहित्य की यहाँ बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समकालीन शब्द ही अपने आप में एक जटिल शब्द है, और वो इतना जटिल शब्द है कि उस शब्द को लेकर भी मतभेद है। कहीं ना कहीं हमें ये नहीं पता है कि समकालीन साहित्य क्या है, आधुनिक साहित्य क्या है, समसामयिक साहित्य क्या है, और प्रासंगिकता क्या है साहित्य की। मुझे लगता है हमने इन चारों ही विषयों को समकालीन साहित्य के अंतर्गत ले लिया है, जबकि इनमें बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि समकालीन साहित्य क्या है और क्या हम समझते हैं। हमने समकालीन साहित्य का अर्थ ये ले लिया है, एक ही समय में लिखे जा रहे लेखकों के अर्थ में हमने समकालीन साहित्य को ले लिया है। वे लेखक जो एक ही समय में रचनारत हैं, लेकिन
ये तो है ही, लेकिन इसका अर्थ महज इतना ही नहीं है। समकालीन साहित्य का अर्थ होता है अपने समय का यथार्थ, उस समय की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उस समय की शाश्वतता क्या है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, क्योंकि हम सब लिख तो रहे हैं उस समय में, लेकिन उस समय में हम अतीत को कितना संस्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि अतीत को छोड़कर हम अपने वर्तमान की बात नहीं कर सकते। समकालीनता साहित्य में तभी परिलक्षित होगी जब हम अपने अतीत को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि अंततः हमारे वर्तमान का जो उत्कृष्ट है वो हमारे अतीत के मस्तक पर ही दिखाई देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहीं ना कहीं जिसकी स्मृतियों में, जिसके अनुभवों में अपना अनुभव भी होता है पुराना और उसका वर्तमान भी होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने अतीत को लेकर भी जीता है, अपने वर्तमान को लेकर भी जीता है। कहने का अर्थ, हम कोई भी साहित्य जो है वो हवा में नहीं रचा जा सकता, उसका अतीत साथ में चलता है, उसका वर्तमान साथ में चलता है। अगर ये दोनों चीज़ें उस साहित्य में है तो ही वो समकालीन साहित्य है, फिर लेखक आप किसी भी काल के हों। मैं इसे काल में तो बिल्कुल भी बांधना नहीं चाहूँगी, मैं चाहूंगी कि वो अपने समय की काल चेतना, जिस साहित्य में काल चेतना परिलक्षित होती है वो समकालीन साहित्य की श्रेणी में आता है। आपने चारों शब्दों को अलग अलग ढंग से विश्लेषित किया। आपने आधुनिकता की बात की, आपने समसामयिकता की बात की, आपने प्रासंगिकता की बात की, आपने समकालीनता की बात की। हमारा प्रश्न साथ में ये था कि इस समकालीन समय में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो कविता का। वो एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, और वो उदाहरण इसलिए दे सकते हैं कि वो छपा हुआ है, और वो मज़े की बात यह है कि एक नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं। उन्होंने एक बहुत बुजुर्ग कवि से पूछा, और व्यंग किस तरह से बोलता है। उन्होंने एक बुजुर्ग कवि से पूछा कि आप बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, मेरी कविताओं पर आप कोई टिप्पणी नहीं करते, तो आप कभी मेरी कविताओं पर भी तो कुछ कहिए। तो अब नाम भी ले ही देता हूँ, क्योंकि उनका इतना बड़ा काम है। कन्हैयालाल नंदन सरोज जी से बात कर रहे थे, मुकुट बिहारी सरोज। तो कन्हैयालाल नंदन से मुकुट बिहारी सरोज ने कहा, जबकि नंदन जी ने हिंदी के श्रेष्ठ गीतों की एक संचयन निकाला है, उसके 3 एडिशन निकल चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप मेरी कविताओं के बारे में कुछ नहीं कहते, तो सरोज जी ने कहा कि नंदन, मैं तुम्हारी कविताओं का पद्यानुवाद करना चाहता हूँ। अब ये इतना गहरा व्यंग है कि कविता से उसकी लयात्मकता चली गई, उसकी ध्वन्यात्मकता चली गई, उसकी अलंकारिकता चली गई, उसकी कलात्मकता चली गई, उसके छंद का शास्त्र चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समकालीन साहित्य में अगर सबसे अधिक नुकसान हुआ तो वो कविता का हुआ। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कविता का क्षय जो हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं तात्कालीनता के दबाव में आ गई है हमारी कविताएँ। तात्कालिकता का जो सामाजिक दबाव है वो किसी कोरस गान की तरह नज़र आता है हमें, क्योंकि कहीं कोई घटना हम अखबार में पढ़ते हैं कि आज कहीं पुल टूटा, कोई बांध, किसी बांध में, या अभी की ताज़ा ही मैं बात आपको बताऊं तो अभी जो जिस तरह से वानरों की मृत्यु हुई है अकस्मात, वो एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से अभी मजदूरों 41 मजदूर अटके हुए थे, उनका जो नुकसान हुआ है उस पर हमने सोशल मीडिया पर लगातार कविताएं पढ़ी हैं। तो यहाँ अखबार के किसी कोने में कोई घटना घटित होती है और यहाँ एक कविता जन्म ले लेती है। तो क्या केवल घटना को कह देना कविता है? हम कविता के मर्म पर नहीं पहुँच पाते हैं। कविता तो वो है जो जीवन के सारे नुकीले कोनों को, कविता वो है जो जीवन के सारे नुकीले कोनों को गोल कर दे। उसमें वो फाँक रहे ही नहीं कि वो आपको चुभ जाए, वो कविता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो सर आपने भी बात कही वो बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक नुकसान मैं कविता के साथ कहूँगी एक लघु कथा विधा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम 3 लाइन में, 3 पंक्ति में अपने समय का यथार्थ बयां कर दें, और निश्चित रूप से एक समय में जैसा कन्हैयालाल नंदन जी दीनमान के साथ जुड़े रहे हैं, दीनमान का जिस तरह से उन्होंने संपादन किया है वो अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे सामने। तो
वो एक, खैर वो एक दौर हुआ करता था पत्रकारिता का, वो एक अलग विषय है, हम उस पर आगे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विधाओं का की क्षति हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम सब बहुत ही जल्दबाजी में हैं, पढ़ने का समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम रच रहे हैं, ये जो ज्ञानोन्मेष हो रहा है, ये जो सूचनाओं के माध्यम से जो साहित्य रचा जा रहा है, ये पाठकों को प्रभावित तो कर सकता है, पाठकों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन ये पाठकों की भावनाओं का उन्नयन नहीं कर सकता। साहित्य वो जो भावनाओं का उन्नयन भी कर सके। लिख तो हम सभी रहे हैं, मुझे लगता है हर घर में एक लेखक है अब तो। शोभा जी, आपने चर्चा के दरमियान पत्रकारिता का विषय शब्द बोला। एक समय था जब पत्रकारिता और साहित्य दोनों अलग नहीं थे। फिर हम चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, और माखनलाल चतुर्वेदी ने तो कहा कि पत्रकारिता स्वयं स्वीकृत सेवा है, लेकिन अभी साहित्य और पत्रकारिता के बीच ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी दीवार है। और इस वक्त पत्रकारिता को या माध्यमों को जिस ढंग से देखने की ज़रूरत आज हो गई है, उसके पहले कभी नहीं थी। और जहाँ साहित्य का प्रश्न है, तो एक समय था जब केवल नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, इसके अलावा बहुत बाद में ही डायरी और जीवनी और आत्मकथा को भी साहित्य की श्रेणी में शामिल किया। उसके पहले तो केवल ये चार पांच विधाएं ही थीं। लेकिन आज जब हम समकालीनता की बात कर रहे हैं, तो आज कुछ ऐसा भी लिखा पढ़ा जा रहा है, पिछले दो वर्षों में शायद सबसे ज़्यादा हमारे देश में धर्म सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता की चर्चा रही। आप अभी हाल में किताब आई बोलना ही है, जो ये NDTV पर पत्रकार थे रविश कुमार की पुस्तक थी। इसके बाद शशि थरूर ने लिखा मैं हिंदू क्यों हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी जो ज्वलंत प्रश्न हैं, जो प्रकारांतर से साहित्य में आ रहे हैं, वो है धर्म, साहित्य और मीडिया। तो इस संदर्भ से आप साहित्य में किस तरह से ये चीज़, और आप जिस तरह की ये किताबें आई हैं जिसे आप साहित्येतर भी कह सकते हो, तो इस विषय में को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है मुझे लगता है, और ये हमारे वर्तमान का सरोकारी सवाल है। ये सबसे पहले तो साहित्य और पत्रकारिता पर हम बात करते हैं। मुझे याद आता है कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने एक बार एक बात कही थी कि पत्रकारिता जो है वो तत्कालीन साहित्य है और साहित्य स्थायी पत्रकारिता है। एक तरह से ये दोनों का अंतर संबंध था। पत्रकारिता को हम तत्कालीन साहित्य लेकर चलते थे क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, हम पत्रकारिता में सामाजिक परिवेश को कहीं ना कहीं झांकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसकी वजह पर मैं आती हूँ। वजह कि अब जो मीडिया की मुख्य धारा है, उसमें राजनीति का विलय हो चुका है। ये एक बहुत प्रमुख वजह है, इसे आप स्वीकारें या न स्वीकारें। सत्ता की जो भाषा है वो मीडिया बोलता है। मीडिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मुझे आप ये बताइए, जो जनता के घर में जाके उसके घर के किसी कोने में कोई चीज़ दर्द से वो भरा हुआ व्यक्ति है उसकी खबर आप अखबार में पढ़ते हैं? जिस धर्म की हम बात करते हैं, जिस संप्रदाय की हम बात करते हैं, दरअसल में वो जनता के लिए नहीं है, जनता तक तो हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। होता ये कि पहले चौराहे पर बहसें हुआ करती थी, अब न्यूज़ चैनलों पर बहसें हुआ करती हैं, और वही मुद्दे अब घर में हुआ करते हैं, तो हमारे मूल मुद्दे तो कहीं और चले गए। मीडिया ने जनता को भी दर्शक नहीं रहने दिया, जनता को जनता ही नहीं रहने दिया है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वो बजा रहा है, इस समय सत्ता का जो बीन है ना, वो मीडिया बजा रहा है पूरी तरह से। मुझे ये कहने में कोई किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं है। धर्म की बात के माध्यम से हम एक तरह से दलगत राजनीति करते हैं। हमें, मैं अगर को साहित्य से जोड़ना चाहूँ, तो किसी एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी को पकड़ लिया, किसी एक खेमे ने कबीरदास जी को पकड़ लिया, एक का खेमा तुलसीदास जी का हो गया, एक का कबीरदास का हो गया, और दोनों कल्पना करते हैं दोनों के युद्ध की, और बस हम जो हैं एक तरह से एक ऐसे दर्शक बन के रह जाते हैं कि हम मूल विषयों से भटक जाते हैं। हमारा अपना मूल विषय क्या है, ना तो वो मीडिया तक पहुँच पाता है और ना मीडिया हम तक पहुँच पाती है। ये जो सत्ता के प्रश्न हैं वो जनता के प्रश्न बन जाते हैं। हमारे अपने प्रश्न कहाँ हैं?
बहुत सही आपने बात कही है कि हमारे प्रश्न कहीं गुम हो गए हैं, और मज़े की बात यह है कि इस मीडिया ने पाठक को दर्शक के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि अब पाठक पाठक नहीं है, वो अपने उस पठन की प्यास दर्शक बन के बुझाना चाहता है। और केवल उतना ही नहीं, आज का साहित्य भी छोटे पर्दे का दृश्य बन जाने में ही अपनी सार्थकता को मान रहा है। कहाँ तक सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत हूँ मैं इस बात से। और मुझे लगता था कि मीडिया का क्षय जो हुआ है वो शायद तब से बहुत अधिक मात्रा में हुआ है जब से प्रिंट मीडिया से हम जो न्यूज़ चैनलों का जो चलन बढ़ा है। तो ग्लैमरस की दुनिया में इसको कहना चाहूँगी, पूरी तरह से ये ग्लैमरस की दुनिया बन गई है। और उस ग्लैमर से अछूता साहित्य भी नहीं है, साहित्य भी अछूता नहीं है। मुझे कोई संकोच नहीं, जबकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य मेरे पसंद का विषय है, उसके बावजूद जिस तरह से किताबों को प्रमोशनल इवेंट की तरह प्रस्तुत किया जाता है, चाहे किताब में कोई ऐसा विषय हो नहीं जो हमारे हमारे अंतरात्मा को स्पर्श करता हो, हमारे अपने आज को या हमारे यथार्थ को छूता हो, लेकिन उसका जो भव्य प्रमोशनल इवेंट होता है, मीडिया उसको जिस तरह से कवरेज देता है। आप बुला लीजिए किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी किताब के विमोचन के लिए, आपने कुछ नहीं भी लिखा है, आपको लोग नहीं भी जानते हैं, तो मीडिया का कवरेज आपको वो मंच दे देगा। तो ये भूमिका रही है मीडिया की। और प्रिंट मीडिया था तब तक तो बात अलग थी, लेकिन अब जो न्यूज़ चैनल जो आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चलन बढ़ गया है, उसने जो बची कुची जो सूचनाएं थी ना, वो हम सिर्फ सूचनाओं में ही हैं, इसके भीतर हम अब जा नहीं पा रहे हैं। सूचना जीवी हो गए हैं पूरी तरह से हम लोग। तो मुझे लगता है कि हम सबको बचना चाहिए। जैसा कि अभी रवीश कुमार जी की किताब का जिक्र हुआ है, तो बोलना ही है, तो रवीश कुमार ही क्यों बोलें, हम क्यों नहीं बोल सकते? हम भी तो उसी चीज़ का हिस्सा है जिसका हिस्सा रवीश कुमार जी, कोई अलग उपज नहीं हो, हम सबके बीच के ही व्यक्ति हैं वो। तो बोलिए, आप अपनी आवाज़ रखिए, अन्यथा मीडिया को जो करना है वो सत्ता का के साथ अपना धर्म अदा कर रही है, और जो चीज़ चल रही है वो चलेगी। फिर हम सिर्फ अपना दुखड़ा लेके, एक मीडिया का कवरेज आएगा, एक व्यक्ति हमारे सामने माइक लेकर आएगा, और हम अपने से कहानी सुना देंगे, लेकिन बाद में उसका फॉलोअप रिपोर्ट कभी नहीं बनेगी। किसी भी खबर की फॉलोअप रिपोर्ट आप कब पढ़ते हैं? किसी अखबार में अगर आपने पढ़ी हो तो आप मुझे बताइए कि आज ये खबर थी और उसको अगले दिन भी अखबार अगले एक महीने तक फॉलोअप रिपोर्ट छाप रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खबर वहीं ख़त्म हो जाती है, केवल पहले पन्ने पे आती है और आखिरी पन्ने पे आके वो ख़त्म हो जाती है। बात आपकी सही है कि हमें भी बोलना है, एक व्यक्ति क्यों बोले। और मज़े की बात यह है कि बात हर बात को नहीं कहते, कोई बात मुश्किल से बात होती है, तो जब वो बात कुछ इस तरह से हो कि वो सार्थक हो, वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों की बात हो, तभी वो स्थायी रूप से साहित्य के पन्नों पर उमटेगी। दूसरी बात यह है कि जब आपने मीडिया का भी जिक्र किया है, समकालीनता में, इस समकालीन साहित्य में एक प्रश्न ये भी लगातार उठ रहा है कि भाषा अपने आप में बिगड़ रही है। फिर हम चाहे उपन्यास की बात करें, चाहे हम कहानी की बात करें, चाहे हम कविता की बात करें, हिंदी जिस तरह से साहित्य में थी, आप उसे हिंदुस्तानी कहें, प्रेमचंद की भाषा को तो पूरी तरह से हिंदुस्तानी ही कहा गया, फिराक गोरखपुरी ने तो उनके बारे में कहा अभी कि वो हिंदी होकर भी कितनी डिहिंदियाइज्ड और उर्दू होकर भी कितनी डी उर्दूआइज्ड है, वो प्रेमचंद की भाषा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ भाषा आई, अभी समकालीन इसमें और भी भाषा का स्तर बदल गया है, लेकिन जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाषा को लेकर और समकालीन साहित्य को लेकर आपका विचार और आपकी दृष्टि किस ओर जाती है? शुरू से ही मेरा विषय भाषा रहा है। क्या बात है? मैं, जो लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर अगर जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा भाषा पर ही बात करती हूँ कि विधाएं तो हैं हमारे पास, लेकिन विधाओं की भाषा नहीं है। कविता है तो कविता का तत्व नहीं है, कविता की भाषा अलग है। उपन्यास है तो उपन्यास की एक अलग भाषा है। कहानी का कहन कथन भंगिमाएँ अलग हैं। तो व्यंग है तो व्यंगकारों के पास भाषा नहीं है, केवल व्यंग है। कटाक्ष नहीं है, वो पंच नहीं है, पंच लाइन नहीं है व्यंग में। तो भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लिखना तो सीख लिया है, लेकिन हमने अपने जो कालजयी लेखक हैं उन्हें पढ़ा नहीं है। क्योंकि भाषा की समृद्धि का सीधा संबंध हमारे अध्ययन दृष्टि से है। हम कितना पढ़ते हैं, पढ़ने, भाषा
आपकी तभी समृद्ध हो सकेगी जब आपने कुछ पढ़ा है। और मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगी इस विषय पर। कोई एक शब्द के बदलाव से पूरे एक विषय का अर्थ बदल जाता है। मसलन हम जहाँ जल शब्द का प्रयोग करते हैं, गंगा नदी के लिए हम कभी गंगा के पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, गंगा नदी के लिए हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। जी जी, जो अनुभूति हमें क्या जल शब्द में आती है वो पानी में भी आती है? ये सवाल मेरा आपसे है। जो अनुभूति जल से आएगी वो जल से ही आएगी, जो अनुभूति पानी से आएगी साहित्य में जहाँ जल शब्द का प्रयोग करना है, अगर हम आचमनी का शब्द जोड़ेंगे तो आचमनी के साथ जल का ही प्रयोग होगा, क्योंकि आचमनी से लिया गया जल केवल हमारे हृदय तक ही उतरता है, हृदय से नीचे नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि शब्दों की ही भूमिका है साहित्य में, और अगर हम भाषा पे काम नहीं करेंगे तो केवल शब्दों का आडंबर रह जाएगा। हम कागज उद्योग को जिंदा रखने के लिए पूरा के पूरा साहित्य रच रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गंगा का जल तो जल ही होगा। सच में पानी इतने अर्थों में अलग अलग है कि अगर आँख से गिरा तो आंसू है, अगर आसमान से गिरा तो बूंद है, अगर शरीर से टपका तो स्वेद या पसीना है, अगर समुद्र का है तो लहर है। तो अपने अपने स्तर पर, अगर जब आपने कहा कि आचमन है, चरणामृत है सब वो पानी ही, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। और केवल शब्द की बात नहीं है, शब्द के उच्चारण की भी बात है। और चूंकि यहाँ सब लोग उपस्थित हैं और वो उस तरह की समझ भी रखते हैं, हम एक उदाहरण हिंदी का देना चाहेंगे आपको कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी शब्द छोटा या बड़ा नहीं है। नो कैपिटल, कोई भी नहीं कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, नहीं, सब शब्द बराबर हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ आधे शब्द को भी पूरे शब्द का समर्थन है और एक पूरा अर्थ गढ़ता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ ऊंच नीच की तो बात है ही नहीं, यहाँ कोई साइलेंट वायलेंट का चक्कर नहीं है। आप नॉलेज कहोगे तो के नहीं लगाओगे, आप नॉलेज को एन से ही नॉलेज लिखोगे, देवनागरी में लिखोगे तो यहाँ के से शुरू नहीं होगा, यहाँ साइकोलॉजी शुरू नहीं होगी, पी से शुरू नहीं होगी। ये हिंदी की एक विशेषता है। और चूंकि यहाँ सब लोग बैठे हैं, बहुत गंभीर बात करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि उच्चारण से भी कैसे अर्थ बदलते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। बनारस इलाहाबाद की तरफ अगर आप गए हो तो वहाँ शाम को दुकानें सज जाती हैं मिठाई की, और लोग शाम को निकलते हैं मिठाई खाने के लिए। तो जिसमें दही जमाया जाता था वो मिट्टी का बर्तन, तो वहाँ एक बाहर की तरफ मिट्टी का बर्तन, उसमें दही जमा हुआ था, और एक कौवा आया और वो ज़ोर से उस पर झपटा। तो हलवाई ने एक पत्थर उठाया और उस पर मारा और कौवा मर गया। दूर जाकर वो कौवा मर गया क्योंकि वो दही पर झपटा था। तो वहाँ एक कवि महोदय बैठे हुए थे, उन्होंने हलवाई की भट्टी में से कोयला उठाया और कोयला उठा के वहीं पास की दीवार पर एक वाक्य लिखा। ये इसलिए कि लोक भाषाओं का भी समर्थन इतना ज़्यादा है, और लोक भाषाओं के बिना हमारी हिंदी चल भी नहीं सकती। समकालीन साहित्य में भी जिस तरह से जब लोक भाषाओं के शब्द आ जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न सामने आ जाता है, क्योंकि वो हमसे दूर हो रही हैं। तो कवि महोदय ने लिखा कि काग यानी कौवा, काग दही पे जान गंवायो, दही के कारण पत्थर मारा और इसके लिए उसकी जान चली गई। काग दही पर जान गंवायो। थोड़ी देर में एक दूसरे व्यक्ति आए, वो किसी ऑफिस में कैशियर थे, कुछ मामला पैसे का घपला वपला किया था। तो अब कोयले से जब दीवार पर लिखा जाए तो थोड़ा उबड़ खाबड़ लिखा जाएगा। उन्होंने अपने ढंग से अर्थ लगाया, चूंकि कागज का घपला था, कागद ही पे जान गंवायो, क्योंकि कैश का मामला था कुछ, कागद ही पे जान गंवायो। थोड़ी देर बाद में वो भी चले गए। एक तीसरा लड़का आया, किसी लड़की को कहीं छेड़छाड़ दिया था तो थोड़ा सा झड़प पड़प हो गई थी, एक हाथ थप्पड़ अप्पड़ भी लग गया होगा, तो अपनी भड़ास कैसे निकाली, उसने पढ़ा कागद ही पे जान गंवायो। तो बात
बात केवल और केवल शब्द की नहीं है, शब्द के साथ में लोक भाषा की भी है, लोक भाषा के साथ में उसके साथ की उस व्यंजना की भी है, उस उच्चारण की भी है। और इस तरह की शब्दावली, इस तरह का पढ़ा जाना, इस तरह का समझा जाना भी धीरे धीरे आज एक बड़ा प्रश्न है, और यही हमारा आपसे भी प्रश्न है। उसकी एक खास वजह ये भी है, जो मेरा मूल विषय है, आपसे चर्चा भी हुई थी, कि भाषा पे अगर बात नहीं हो रही तो उसकी वजह यह कि हमारे पास सच्चे आलोचक नहीं है इस समय। जो साहित्य और मीडिया की बात करूं मैं, और राजनीति की भी बात करूं, तीनों की ही बात करूं, तो हमारे पास ईमानदार आलोचकों का नितांत अभाव है। वजह कि हमने मतवादों को ही आलोचना समझ लिया है। मुझे लगता है कि अगर हमारे बीच मतभेद नहीं है, मतवाद नहीं है, तो आप मतलब चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, ऐसा लगता है। मुझे याद आता है कि अज्ञे ने एक बार ये कहा था कि चूंकि आलोचना की बात है और भाषा पे बात नहीं हो पाती है, केवल किताबें सामने आ जाती है, कोई कमी या अभाव पे हम बात नहीं करते हैं, चाहे वो भाषा को लेकर हो या कथन को लेकर हो, तो अज्ञे ने कहा था कि नकलची कवियों के अनुपात में नकली आलोचकों की संख्या अधिक है। धातु उतनी खोटी नहीं है जितनी उसकी कसौटियां झूठी हैं। क्या बात है जी। तो कहने का यह अर्थ है, जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो पूरा के पूरा कंचन ही है, महानता से नीचे कुछ रचा ही नहीं जा रहा है। इन दिनों जो कुछ भी रचा जा रहा है, हर व्यक्ति ने अपना एक निजी आलोचक नियुक्त कर लिया है। किताबें छपती हैं, किताबें छपकर सामने आती हैं, तो आपको लगता है किसी विभागीय पदाधिकारी को आप बुला लीजिए, चूंकि शिक्षा विभाग में तो आजकल कुलपति जो होते हैं वो साहित्यकार होते ही हैं, वो इनबिल्ट मान लीजिए आप उनको, कि किसी बड़े पद पे आप उनको बिठा दीजिए, और या तो किसी विभाग के होंगे या किसी बड़ी साहित्यिक संस्था के होंगे, प्रशासनिक अधिकारी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको आगे अकादमिक पुरस्कारों के लिए भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे रास्ते बनते हैं कि आपके पास अगर एक खेमा है, शिविरबद्ध आलोचना की मैं बात कर रही हूँ, आपके पास अपना एक खेमा है जिसमें व्यक्ति प्रशासकीय अधिकारी हो, जिसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं एक शैक्षणिक बड़े पद पर हो, या उसके पास कोई बड़ी सी कुर्सी हो, तो निश्चित रूप से आपकी किताब पे ना तो भाषा पे बात होगी, ना ही उसके विचार पे बात होगी। क्या वो किताब अंत में, जो हम समकालीनता की बात कर रहे हैं, क्या उसकी समकालीन प्रासंगिकता रहेगी उस किताब की, हमें नहीं पता, शायद आज जन्मेगी और आज ही वो मर जाएगी। वो ना तो रामायण बन पाएगी, ना महाभारत बन पाएगी। रामायण और महाभारत जैसा जो साहित्य है वो समकालीन साहित्य की श्रेणी में आज भी क्यों आता है, जबकि महाभारत तो एक ऐसा है जो हमारे आज के कलयुगी मंच पर चलचित्र की तरह है। आज भी हर घर में महाभारत होती है, नहीं होती है? होती ही है, हम सभी अछूते नहीं रह सकते उस चीज़ से। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा होता कि शायद इसीलिए हमारे हिंदी साहित्य में एक नई चीज़ है जिसपे हम आगे आना चाहूँगी, शोध की एक दृष्टि होती है जी। क्योंकि कोई भी साहित्य अंतिम नहीं होता, जो रामायण महाभारत या जितनी भी कृतियाँ रची जा चुकी हैं या लिखी जा चुकी हैं वे अंतिम नहीं हैं, हमेशा उनमें एक पुनरावलोकन दृष्टि बनी रहती है, उसका अभाव नितांत पाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो अंतिम होती, क्योंकि वाल्मीकि जी के बाद भी रामायण लिखी गई। शायद जो राधेश्याम कथावाचक जी हैं उन्होंने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, साकेत लिखा, और मैं नाम लेना चाहूंगी आदरणीय, बहुत आदर के साथ नरेंद्र कोहली जी का, उन्होंने भी रामकथा ही लिखी। तो अगर साहित्य अंतिम होता, पुनरावलोकन दृष्टि की हमें सतत आवश्यकता है, एक ही विषय पर कई बार लिखा जा सकता है, लेकिन नई स्थापनाओं के साथ, नई दृष्टि के साथ, उस शोध की बहुत जरूरत है। शोभा जी, तीन बातें आपने उठाई हैं। एक तो ये कि आप पद पर हैं तो कुछ भी लिख दीजिए और उसकी महत्ता भी हो जाएगी और उसकी स्थापना भी हो जाएगी। मेरी कविता की चार लाइनें हैं और कविता के संदर्भ में हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरा तो कविता कानन से केवल इतना ही नाता है, मेरा तो कविता कानन से केवल इतना ही नाता है, फुर्सत में कुछ लिख जाता है, पद प्रभाव से छप जाता है। और इसीलिए उदय प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि जो कुछ मन में आए,
यानी कि सिर्फ कलम चला देने और जो कुछ मन में आए उसे कागज पर चिरक देने से, चिरक शब्द का इस्तेमाल किया, जो कुछ मन में आए उसे कागज पर चिरक देने से कोई कहानी या कविता नहीं बनती। और तीसरी बात, जब आपने रामायण और महाभारत की बात कही, तो महाभारत के संदर्भ में तो जब घर घर महाभारत की बात कही आपने, तो वहां एक वाक्य आता है, यन्न भारते तन्न भारते, जो कुछ महाभारत में है वो सब कुछ भारत में है, और जो भारत में नहीं वो महाभारत में भी नहीं। इसीलिए ये कालजयी कृतियां हैं, ये समकालीन भी हैं, क्योंकि जो कुछ भी रामचरितमानस में है वो पद पद उसकी एक एक चौपाई हमें संकेतित करती है, दिशा देती है। जो काम समकालीन साहित्य को करना चाहिए वो सारा काम आज भी महाभारत भी करता है और रामचरितमानस भी करता है। लेकिन जब आपने मठ की बात की, जब आपने संप्रदाय की बात की, जब अपने अपने खेमों की बात की, तो यहाँ वो एक सवाल बड़ा उठता है कि अब समकालीन साहित्य में इनकी उपस्थिति कहाँ है। मुझे लगता है कि शायद समकालीनता का हम अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए हर जगह केवल खेमे और धर्म ही दिखाई दे रहे हैं। शाश्वतता की जिस अभाव की मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मौलिकता और शाश्वतता दो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। यही एक वजह है कि इन दिनों जो कृतियाँ आ रही हैं वो धर्म प्रेरित नहीं आ रही हैं, हमें ऐसा लगता है। जो आपने सवाल किया, आप किसी कृति में किसी विशेष धर्म विशेष को जोड़ दीजिए या किसी अल्पसंख्यक की कहानी को जोड़ दीजिए, अल्पसंख्यकों की कहानियों को प्रमोट किया जाता है, उस प्रमोशन के बाद में फिर उसके पक्ष और विपक्ष बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साहित्य नहीं है, ये एक तरह से राजनीति का एक वो हिस्सा है जिसमें पाठकों को बरगलाया जाता है। यही एक वजह है कि पाठक और दर्शक दोनों अब अपने मौलिकता में पाठक और दर्शक रहे नहीं हैं। दरअसल में हो ये गया है, हम लोग अपने ही अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि शायद साहित्य हो, राजनीति हो या मीडिया हो, हमें धर्म से इतर इंसानियत पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता है और धर्म तो कतई नहीं हो सकता है। अगर आपके भीतर इंसानियत का मर्म नहीं है तो फिर धर्म कितना भी बड़ा हो, किसी भी धर्म विशेष के आप हो, वो किसी काम का नहीं है, जीवन ही आपका व्यर्थ है। और वो साहित्य ही शायद उस चीज़ को संभाल सकता है। मुझे आपके इस संदर्भ में अली सरदार जाफरी का एक वाक्य याद आ गया। वो ये कहते हैं कि उनके हाथ में सृजन की गंगा है और वे जो कुछ रचते हैं उस रचने से वही और इल्हाम लेकर कागज की हकीर सतह पर नाजिल होते हैं और लोग उनको कविता, किताब, कहानी कहकर आंखों से लगाती है और अपना रूहानी सुकून पाती है। तो सच बात तो यह है कि जब तक कविता, कहानी, साहित्य जिंदा है तब तक शायद, क्योंकि मनुष्य का क्रम जो है वो तो अनुवांशिक है कि मनुष्य माँ बाप से एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्ची पैदा होगी, वो उसकी हमशक्ल हो सकती है, तो मनुष्य का क्रम तो अनुवांशिकता है। लेकिन मनुष्यता को अगर बचाना है तो मनुष्यता को बचाएगा साहित्य, कला, संगीत, जिसकी आज ये बात हो रही है, जिसकी आज ये कोशिश हो रही है। और इसीलिए यद्यपि हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सबके बीच में होकर भी अकेले हैं, तो जब हम किताब की बात करते हैं तो निस्संदेह किताब हमें अकेला भी करती है और किताब हमें अकेलेपन से बचाती भी है, दोनों बातें हैं। आप किताब लेकर बैठ जाते हैं तो आप दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो फिर आपको किताब बिल्कुल मदद करती है। तो वो कहते हैं ना कि अकेले में पढ़िएगा अकेला की गज़ल, देखिएगा बल मिलेगा आपको। तो जब आप अकेले में भी कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे कुछ बल पाते हैं। चलते चलते आपने शोध के विषय में भी विषय छेड़ा था, तो शोध में किस समकालीन तत्व की बात आप करना चाहती हैं? शोध पर मेरा हमेशा मुद्दा रहा है, जैसा कि मैंने लिखा भी था, आप सभी ने पढ़ा होगा जो जुड़े हुए हैं। इन दिनों मुझे इस बात का बहुत दुख है
कि हिंदी साहित्य में जो शोध कार्य हो रहे हैं, पीएचडी जो हो रही है, हमारे हिंदी के जो प्राध्यापक है, प्रोफेसर हैं, उनका जैसे साहित्य से कोई सरोकार ही नहीं है, जबकि वे हिंदी साहित्य में अपने पाठ्यक्रम में वही साहित्य पढ़ाते हैं जिसको लेकर हम किताबों का प्रमोशन करते हैं, कोई फर्क नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो प्राध्यापक पीएचडी करवा रहे हैं हिंदी साहित्य के विषयों पर, क्या वे विषय इतने जरूरी हैं? क्या उन विषयों पर पुनरावलोकन दृष्टि होती है, या हम ऐसे विषयों का चुनाव करते हैं जिसमें प्राध्यापकों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, किसी प्रकार का कोई श्रम ना लगे और शोधार्थी अपने श्रम से अपने ही मस्तिष्क का सदुपयोग कर या दुरुपयोग कर एक 200 पृष्ठों की थीसिस लिखकर अकादमी में जमा कर दे? यही हो रहा है इन दिनों। शायद हिंदी साहित्य की दुर्गति के पीछे एक जो मुख्य कारण है वो मुझे शोध कार्यों की दुर्दशा भी लगती है, जिसमें प्राध्यापकों की कोई रुचि नहीं है। ऐसे ऐसे विषयों पर शोध करवाया जाता है जिसमें शोध जिन विषयों पर शोध होता है उन पर मात्र एक या दो किताब आई हुई होती है, उस किताब में भी ऐसा कोई मर्म नहीं होता जिसकी समकालीनता पर हम बात कर सकें, क्योंकि शोध का संबंध भी तो आलोचना से ही है। जो जिन शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है, शोध कार्य की जो थीम होती है वो क्या होती है, जो उसके अध्यायों का विभाजन होता है, मैं आपको अकादमिक दृष्टि से ये बात कह रही हूँ, वो क्या होता है, एक तरह से आलोचकीय दृष्टि ही तो होती है कि उस विषय पर क्या किया गया है, किसी लेखक ने किसी किताब में क्या लिखा है और उसका सामाजिक अवदान क्या है, किसी विषय का सामाजिक अवदान क्या है। आपने कोई किताब लिखी है उससे समाज को क्या मिल रहा है? दो तरह का लेखन होता है, एक खुद को संतुष्ट करने के लिए, एक समाज की संतुष्टि के लिए या समाज को कुछ देने के लिए। तो आप किस तरह के लेखक हैं, आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप ये लेखन कर्म किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप समाज के लिए कर रहे हैं तो क्या उसमें शोध की पुनरावलोकन दृष्टि है? अगर है तो फिर हमारे पास वैसे शोध निदेशक होने चाहिए जो ईमानदारी से शोधार्थियों का शोध कार्य करवा सकें, क्योंकि शोधार्थी भटकते रहते हैं। बहुत मुश्किल से ये जो पूरी प्रक्रिया होती है शोध कार्यों की, इस पर पूरी एक सीरीज चूंकि मैं लिख रही हूँ इन दिनों कि किस तरह से शोधार्थियों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और शोध निदेशक शोध कार्य को आधा ही छोड़ देते हैं बीच मझधार में। विषय शुरू होता है, उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वाइवा होता है, और उसके बाद शायद 15-20 पन्ने की सिनॉप्सिस तैयार करते हैं और फिर वो विषय कहीं गायब हो जाता है। और शायद आपके ऊपर भी मैंने ऐसा सुनने में आया था कि शोध कार्य हुआ लेकिन वो अंतिम रूप नहीं ले सका। तो ऐसे विषय शुरू बहुत होते हैं शोध कार्यों के लिए, लेकिन वे अंतिम रूप कितना ले पाते हैं और उस अंतिम रूप में समाज को क्या मिलता है, वो विषय होना बहुत ज़रूरी है। शोभा जी, साहित्य का तो एक बेव उद्देश्य ही है समाज हित, सहितस्य भाव इति साहित्य। और स्वांत सुखाय की जब आपने बात की है कि स्वांत सुखाय तो तुलसी नहीं लाइन लिख दी ना, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, लेकिन उनका वो स्वांत सुखाय बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हो गया है, वो केवल उन तक सीमित नहीं है। इसलिए जो जिस शोध की बात आप कर रही हैं और जिस तरह के साहित्य की बात कर रही हैं, तो शोध पर भी दृष्टि, एक शोध है जिसमें साहित्य है और एक शोध है जिसमें विज्ञान है, तो शोध की भी दिशाएं अलग अलग हैं। और जहाँ तक विज्ञान का प्रश्न है, जहाँ तक प्रैक्टिकल करने की बात है, आज साहित्य की दशा और दिशा हमारे इसलिए खराब हुए, या आप कह सकती हैं कि उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आज टेबल पर बैठकर लिखा जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब समकालीन शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न आया कि मंटो का एक कहानी संकलन है, नरेंद्र मोहन ने उसे संपादित किया है, उसका टाइटल ही है रोज एक कहानी, और उस रोज एक कहानी में 7 दिन की 7 कहानियां हैं और 19 कहानियां हैं। और वो कहानियां इसलिए रोज एक कहानी है कि मंटो उधार पैसे ले लेते थे और उन पैसों को चुकाने के लिए उनको वो कहानी उन्हें देने पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद मंटो की जिस तरह की कहानियां हैं, क्योंकि वो अनुभव से गुजरी हुई कहानियां हैं, वो एसी में बैठकर लॉन्ग बैक चेयर पर टिककर लिखी हुई कहानी या साहित्य नहीं है। इसलिए साहित्य समाज के बीच से होकर जब गुजरेगा, तभी जाकर वो अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकेगा। और इसीलिए कहते हैं ना वो कि आज
जब ये प्रश्न है कि अर्थतंत्र की रक्षा में पुल के नीचे खड़े मिलते हैं कभी ये शब्द, तो कभी श्रम की पूजा करते मजदूरों के साथ निकल पड़ते हैं शब्द, तो कभी धनवानों को इतिहास बनाने चल पड़ते हैं शब्द, तो कभी इनके विरुद्ध एक आवाज बन पड़ते हैं शब्द, और अगर आवाज दबी तो झगड़ पड़ते हैं शब्द। तो जब तक शब्द झगड़ा करते रहेंगे समाज में, जब तक वो अपना अस्तित्व सिद्ध करते रहेंगे, तब तक निस्संदेह साहित्य की भी सार्थकता और उनका समकालीन होना सिद्ध होता रहेगा। अंतिम वाक्य कोई आप कहना चाहें? हम अपने इन प्रबुद्ध श्रोताओं के बहुत बहुत आभारी हैं कि साहित्य जैसे विषय को, जब पहली ही चर्चा हुई कि साहित्य से आदमी कट रहा है, बावजूद कैसे हम ये कह सकते हैं जब इतने प्रबुद्ध श्रोता हमारे सामने हैं और वो सुन रहे हैं, आप किस तरह से समापन करना चाहेंगी? आप सबको धन्यवाद के साथ में मोनिका जी के इस आयोजन के लिए उनका अभिनंदन करते हुए आपके अंतिम वाक्य पर हम आपके इस चर्चा का, समकालीन साहित्य का विराम लेते हैं। साहित्य न खत्म होने वाला संवाद है, इसलिए यह शब्द संवाद चलता रहेगा। शोभा जी, मैं अंतिम शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो यहाँ पर दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल में भाषाओं का संगम, जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी और आगे शायद और भी भाषाएं जुड़े, ऐसा संयोग हर राज्य में होना चाहिए, हर जगह में ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर इतनी सारी भाषाओं पर बात हो, इस तरह के विषयों का चयन किया जाए, क्योंकि भाषाओं की समृद्धि के साथ ही साहित्य की समृद्धि है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस समकालीन साहित्य की हमने बात की है, वो समकालीन साहित्य महज लेखकों की समकालीनता तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि एक ही समय में लिखा जाना समकालीन नहीं होता है, उसके लिए ज़रूरी है उस समय का यथार्थ। आज जो कुछ भी चर्चा हमने की वो आज के समय का यथार्थ है, और निश्चित रूप से वो आने वाले दशकों में समकालीन साहित्य की श्रेणी में आए हमारी आज की चर्चा, तो शायद वो प्रासंगिक हो सकेगा, अन्यथा वो सिर्फ आधुनिक बनकर रह जाएगा, वो समकालीनता की श्रेणी में नहीं आएगा। अंत में मैं सिर्फ यही पंक्ति कहना चाहूँगी कि ज़मीं को अपना हक अदा करना ही होगा, क्योंकि हवा की सिफारिशों से फूल खिला नहीं करते, और खुद ही तय करनी है इन आसमानों की ऊँचाई, क्योंकि परिंदों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपने हिंदी, उर्दू और मराठी के संगम की बात की है, तो बस एक शेर कह के, इसीलिए हम खड़े भी हो गए हैं कि वो कुछ कहेंगी हम कहते रहेंगे, इसलिए हम खड़े हो गए हैं। ना मैं हिंदी उर्दू न मराठी का हवाला लिखूं, क्योंकि भाषा का संबंध सिर्फ माँ से है, सबसे पहले बोलना अगर हम सीखते हैं तो माँ से सीखते हैं। ना मैं हिंदी न उर्दू न मराठी का हवाला लिखूं, माँ तो बस माँ है, बताओ मैं उसे क्या लिखूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो पहले बताया था वो सही बात निकली ना? एक बार सर शायरी बोलने लगते हैं फिर सबकी। एग्जैक्टली, यू सेड इट, छुट्टी। सर ने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, छुट्टी। चलिए, आई रिक्वेस्ट मोनिका मैम, मोनिका सिंह जी, टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट शोभना जी एंड सुनील देवधर सर। लेडीज एंड